कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार समेत पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन आप लोग ना करें, घर से ना निकलें। जब बहुत जरूरी काम हो तब निकलें, लेकिन पूरे एहतियात को बरतें। इस मुश्किल घड़ी में जो फुटपाथ और रैन बसेरा में रह रहे लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे लोगों के लिए हमारी पार्टी के सेवा दल पप्पू ब्रिगेड द्वारा खाद्य सामग्री, साबुन, मास्क पहुंचाया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी ध्यान दें। उन भाइयों से मेरा अपील है जो किराना, सब्जी, दूध, दवा का व्यापार कर रहे हों, वे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी ना करें। और जो ऐसे घृणित काम कर रहे हैं उन्हें भी रोकें। बिहार समेत पूरे देशवासी से मेरा अपील है कि इस दुख की घड़ी में सभी एकजुट रहें, सभी एक दूसरे को मदद करें। मकान मालिकों से मेरा अपील है कि जो किरायादार हैं उनके किराए में रियायत करें या फिर माफ कर दें। जो हम लोगों को मदद कर रही है, जो अपने जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे पुलिस कर्मियों, डॉक्टर, नगर निगम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं जो हम लोगों के मदद के लिए आगे हैं और मदद कर रहे हैं। और इन लोगों को हम लोग सहयोग करें। मैं आप सभी से एक अपील और करना चाहूँगा कि यदि आपके घर के नज़दीक कोई भी फुटपाथ या रैन बसेरा में रहने वाले लोग हों तो उन तक खाना ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हम लोग मिलकर